है, यदि पंजाब पुलिस को दिया होता तो आज पंजाब की आबादी 1-1.5 करोड़ नहीं होती बल्कि 20-25 लाख ही रह जाती, क्योंकि ये जब निकलते हैं तब सारे ऑर्डर को साथ लेकर ही निकलते, किसी को भी शूट कर सकते हैं। शूट करते वक्त इन्हें अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं, हम इसे गोली मारें या ना मारें, उनके पास। लेकिन हमारे वहां पर क्या है, यदि पुलिस ने गोली चलानी है तो पहले SDM से इजाजत लेनी पड़ती थी, जब कमिश्नर राज नहीं था, जब SSP राज था तब इजाजत लेनी पड़ती थी, SDM लिखती रूप पर देता था कि हाँ हालात खराब है, अब तुम गोली चला सकते हो। कभी कभी SDM आ जाता था, वो इजाजत नहीं देता, पुलिस वालों को मार पीट आकर लोग भगा देते थे, बाद में वो बेचारे शर्मिंदगी के मारे वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास गोली चलाने का अधिकार, और यदि चला देते तो जैसा एक आम आदमी पर मुकदमा होना है वैसा ही उन पर भी मुकदमा होना था। और हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और पुलिस के कटराव से जब सारा काम बाहर चला गया उसके बाद इन्हीं डेट में उनको एक कानून बनाना पड़ा, SSP राज को हटा दिया गया और कमिश्नर राज कर दिया गया। और कमिश्नर राज क्यों किया गया, जब कमिश्नर राज हो जाता है कमिश्नर और SDM की पावर जो है वो सेम होती है, जो SDM कर सकता है वही कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कर सकता है। अब पुलिस को SDM से गोली चलाने की इजाजत लेने की जरूरत, अब वो सीधा अपने ऑफिसर से पूछेंगे, ऑफिसर कह देगा उड़ा दो तो वो लोग उड़ा देंगे। तो कानून जब बना दिया जाता है तो वो फाइनल होता है, खुदावंद खुदा ने कानून बनाया, सबको उसके अधीन रखा, और जो कुछ उसने कह दिया जब बना दिया तो अपने आप को भी कानून के अधीन कर दिया। हालेलुया, खुदा भी कानून से अभी बाहर है, वो भी वही कुछ करेगा जो लिखा गया है, लिखे हुए के बाहर जाकर वो भी कुछ कर सकता नहीं है। यहाँ का राष्ट्रपति बेशक ओबामा को पब्लिक ने वोट डालकर चुना है, लेकिन ओबामा अपने देश के बनाए हुए कानून के अंडर रहकर ही कुछ कर सकता है, उससे बाहर होकर कर सकता। तो बाइबल में क्या लिखा है, दुनिया के किसी भी देश का कोई भी कानून उसकी मर्जी के बिना नहीं है, इसलिए तुम कानून का सामना मत करो, क्योंकि जो कानून का सामना करता है वो परमेश्वर का सामना करता है। तो साफ साफ मतलब क्या हुआ इन बातों का, कि जब अधिकार दे दिया गया, भाई यीशु को अधिकार दिया गया है, तो जो काम यीशु को सुपुर्द कर दिया गया है वो यीशु के द्वारा ही परमेश्वर करेगा, वरना नहीं करेगा। हालेलुया, अब जब कह दिया है कि निजात यीशु के द्वारा है, सालवेशन यीशु के द्वारा है,